Hey guys, good morning. कैसे हैं सब लोग? So welcome to the new vlog. आज vlog की शुरुआत हो रही है घर के बाहर से. इनफैक्ट अभी अभी घर से बाहर निकली हूँ. अभी मैं जा रही हूँ B&Q. तो मुझे अपने बाहर वाले जगह के लिए थोड़े से स्टोन्स लेकर आने हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर सोलर प्लांट्स लगाए थे तो उनके अंदर मुझे स्टोन्स डालने हैं. तो वो लेकर आते हैं फटाफट से. और आज बड़े सारे काम है, सब कुछ आपको बताऊंगी जैसे व्लॉग आगे चलता जाएगा. तो मैं B&Q आ चुकी हूँ. मुझे ना चेयर्स लेनी थी, कोई भी सस्ती टिकाऊ, क्योंकि अभी मैं चेयर्स के अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहती नहीं हूँ. तो मैंने ना, वैसे तो हमारे पास बहुत अच्छा फर्नीचर है गार्डन का, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेयर्स चाहिए. तो मैंने यहाँ पे ये वाली चेयर देखी. जैसे ये चेयर ना 20 पाउंड की है, लेकिन ऐसी ही सिमिलर एक 12 पाउंड की मिल रही है विद आर्म रेस्ट. तो मैं वो चेयर्स उठा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. तो यहाँ पे लेडी मेरी हेल्प कर रही है, वो मुझे अपने स्टॉक में से निकाल के दे रहे हैं. तो ये वाली चेयर देखो आप, गार्डन के लिए, यू नो, फोल्ड भी हो जाती है और ईजिली स्टोर भी हो जाएगी, और मुझे जिस पर्पज़ के लिए चाहिए वो भी सॉल्व हो जाएगा मेरा. तो ये 12 पाउंड की है. यहाँ पर ना और चेयर्स भी हैं जो कि अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं, जैसे कि ये वाली आर्म रेस्ट के साथ है. ये 35 पाउंड की थी, लेकिन 1750 की है. दिक्कत ये है कि ये ना चेयर फोल्ड नहीं होगी, बस दिक्कत यही है. तो जब मुझे स्टोर करनी होगी ना गराज के अंदर, तो एक के अंदर एक डाल के करनी पड़ेगी. तो मैं एक बार सौरभ को दिखा देती हूँ. अच्छी तो ये भी है, ये वाली 15 पाउंड की, बट ना आर्म रेस्ट नहीं. मुझे आर्म रेस्ट के बिना ना चेयर, यू नो, समझ रहे हो ना, वो मज़ा नहीं आता. तो अब मैं आ चुकी हूँ इंडियन मार्केट. तो यहाँ से थोड़ा सामान उठाना है मुझे. तो बस मैं घर वापस आ गई हूँ और सारी शॉपिंग भी कराई हूँ. अभी सारी शॉपिंग लगाऊंगी फ्रिज के अंदर. ग्रॉसरी शॉपिंग सारी कंप्लीट हो गई है. और आज अबीर को हम स्कूल से थोड़ा जल्दी उठा रहे हैं, बिकॉज आज उसकी अपॉइंटमेंट है. तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अबीर स्पेक्स नहीं लगा रहा है, अपने ग्लासेस नहीं लगा रहा है. और कभी कभी लगा रहा था, कभी कभी नहीं लगा रहा था. तो गाइज बहुत कुछ चल रहा है. हम लोगों ने सेकेंड ओपिनियन ली है. इस बार हमने NHS के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है और हम उसका आई टेस्ट दोबारा से करा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो लेफ्ट आई है उसका नंबर है +6. तो +6 का ये मतलब है कि वो, यू नो, नजदीक से नहीं पढ़ पा रहा है. तो बड़े सारी कंफ्यूजन्स हैं, बड़ी सारी चीजें हैं. हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है जो उसका लास्ट आई टेस्ट हुआ है. तो उन सबके चलते हुए हम अबीर को आज NHS डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं. डॉक्टर से हमारी बात हो चुकी है. वेरी वेरी नाइस डॉक्टर. थैंक्स टू आवर स्टार्स कि हमें बड़ी इजीली अपॉइंटमेंट मिल गई, हमें प्राइवेट नहीं जाना पड़ रहा है. और बस अब हम जाएंगे डॉक्टर्स के पास. तो आज सौरभ अबीर को जल्दी पिक कर रहा है स्कूल से और फिर वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा. इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उसको घर से ही खाना बना के दे रही हूँ. वही मैं उसके लिए दोबारा से ब्रोकली वाला परांठा बना रही हूँ, तो उसको बड़ा स्वाद लगा था कल. वैसे मैं बीच में बनाती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, तो मैंने कहा चलो वही परांठे बना के दे देती हूँ उसको. ही विल एंजॉय इट. और हरी सब्जी भी, यू नो, एक वेजिटेबल भी उसके अंदर चली जाएगी. पता है ये परांठा बनाना इतना आसान है ना, बस ब्रोकली को आपने छोटा छोटा चॉप कर लेना. मैंने तो चाकू से ही कर लिया, क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है ये. उसमें थोड़े से प्याज डालें, नमक, धनिया पाउडर, जरा सा अनारदाना. और आटे के अंदर तो मैंने पहले से हल्दी, अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, सब कुछ डाल रखा था. तो बस अब मैं परांठा तैयार कर रही हूँ. ऐसे दो रोटियों को जोड़ के स्टफिंग करके परांठा बनाएंगे. बहुत स्वाद बनता है. आप लोग भी जरूर बनाना और मेरे से शेयर जरूर करना अगर आप लोग बनाओगे. तो बस परांठे बन गए, अभी इसके लिए पैक कर रही हूँ. मैंने वो आम काट के रखा था, ले जा मैं ले. तो चलो जी, अब टाइम है सारी ग्रॉसरी शॉपिंग को संभालने का. आज मैं एक नया वर्जिन ऑलिव ऑयल भी लेके आई हूँ. पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, लेकिन ये वाला ऑलिव ऑयल ना ऑफर पे लगा हुआ था. तो ये आया है 7 पाउंड 50 का, 750 ml. सो यूज़ करके देखते हैं. तो ये जो ऑलिव ऑयल है ये ट्यूनीजिया से है और ये कोल्ड एक्सट्रैक्टेड है, हैंड पिक्ड. होपफुली अच्छा होगा, तो मैं आप लोगों को यूज़ करके बताऊंगी. बट सीरियसली यार, 750 पाउंड में 750 ml इज अ गुड प्राइस. अगर आप ऑलिव ऑयल खरीदते हो UK में तो आपको पता ही होगा. तो यूज़ करके देखते हैं इसे. और यहाँ पर आ चुकी हैं बहुत सारे इंडियन स्नैक्स. इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ. साथ में आए हैं आम. इसमें 5 पीसेस थे, एक मैंने अभी अभी अबीर को कट करके दिया और वाकई में अमेजिंग है. तो मैंने अपना फ्रिज सारा ऑर्गेनाइज कर लिया है, सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से सेग्रीगेट कर लिया है. जो फूड बैग्स में जानी थी फूड बैग्स में डाल दी है. मेरा फ्रिज रेडी है मेरी हेल्प करने के लिए कुकिंग में, क्योंकि यार अगर आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज नहीं होगा ना, आपकी कुकिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है. तो फ्रिज रेडी है, तो आप कुकिंग शुरू करेंगे थोड़ी देर में. तो मैं आ गया हूँ अबीर को लेने के लिए. अबीर इतनी जल्दी घर जा रहा है आज तो तू,
अच्छा घर नहीं जा रहे हम आज आफ्टरनून में, इसको मेरे को लेना पड़ा. ही इज वेरी वेरी सैड बिकॉज़ वी बिकॉज़ दे आर डूइंग लॉन्ग जंप टग ऑफ वॉर राउंडर्स. बट बेटा आईज भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वी हैव टू गो टू डॉक्टर ना. मम्मी ने आपके लिए वो भेजा है, आप पहले जल्दी वाइप से अपने हाथ साफ करो. आई जस्ट वॉश माय हैंड एंड देन वी विल डू इट. मम्मी ने आपके लिए मैंगो भेजे हैं और मम्मी ने आपके लिए बहुत अच्छी रोटी भेजी है. इट्स लाइक अमेजिंग रोटी. लुक मम्मी इज अ मास्टर शेफ बेटा. लुक एट दैट. ओ माय गॉड अबीर वाओ. एंड लुक एट दिस वन. नो टुडे आई विल फीड यू माय बेबी चू चू बेबी. Bradley Stokes says, "You okay? Yeah. He's coming back, and then we'll finish. I'm okay? Scared. No, you're not scared. You're fine. You're doing very well. I'm probably not gonna have class anymore. You will. Appointment खत्म हो गई है, और ना डॉक्टर ने सब में देख लिया है इसको, ऑप्टिशियन ने भी देख लिया है, ऑर्थोप्टिक ने भी देख लिया है. तो उसकी कुछ बेटर न्यूज़ है, मैं घर जाके जरा प्रीति के साथ बताता हूँ क्योंकि वो बेटर रहेगा ना अगर मैं अकेले बोलूँ. लेकिन हाँ इसको ग्लासेस तो हमेशा पहन के रखने ही पड़ेंगे. तो जाते हैं घर, फिर बात करते हैं आप लोगों से. आज मैं सुबह से बहुत सारी कुकिंग वगैरह में लगी हुई हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई हूँ, मैंने आपको दिखाया था. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सौरभ जा रहा है अबीर को लेकर अपॉइंटमेंट के लिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, इसलिए हमने सोचा हम सेकेंड अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. हमने डिसाइड कर लिया था वैसे तो मैं जब शुरू से कि सेकंड अपॉइंटमेंट लेंगे लेंगे क्योंकि उसके उसके दो तीन रीजन थे. सबसे पहला रीजन था कि जब हमने इसकी आई टेस्ट करवाई, आप हमारा वो वाला ब्लॉग देख सकते हो, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है. तो जब हमने इसका आई टेस्ट करवाया तो ऑप्टिशियन ने हमें बोला जो इसकी लेफ्ट आई है वो वीक है और वो +6 है, और जो इसकी राइट आई है वो भी थोड़ी सी वीक है और वो +1.5 है. ठीक है, उसके बाद हमने उस वाले पूरे ब्लॉग में आपको बताया. ये ऐसे नहीं हुआ है, काफी टेस्ट के बाद हुआ है, दो बार exactly. दो बार गए हैं तो हो जाते हुआ है. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टेस्ट करा, जितना वो टाइम लेते हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से करा. वो दवाई वगैरह भी डाली थी ना आंखों में, पीपल्स को बड़ा करने के लिए भी डाली थी उन्होंने. हाँ, तो ये सब कुछ हो गया और फिर उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे है. उसी टाइम उन्होंने कहा यहाँ पे ग्लासेस मिलते हैं, हम ग्लासेस बनवाओ, ये वो जो जो वो हमें बोलते गए हम करते चले गए. वो भी हम भी घबराए हुए थे, लेकिन हम दोनों के दिमाग में ना एक चीज आ रही थी कि यार बच्चे की जब +6 आई साइड है, लेफ्ट आई की, इतने तो चलो हमें, हम ऑप्टिशियन नहीं है, हम डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन यार इतना तो हमें भी पता है कि बच्चे को हेडेक होना चाहिए. क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को बताया ना मेरी जान पहचान में भी, उनसे पहला क्वेश्चन पूछा, प्रीति इसको हेडेक नहीं होता था, इसको तो बड़ी डिफिकल्टी होती होगी. लेकिन इसको ना तो हेडेक होता था, ना इसकी आंखें वॉटरी होती थी, ना ही इसने कभी हमें कहा कि मुझे डिजीनेस हो रही है. ये खेलता कूदता है आपके सामने, आप हमारे ब्लॉग्स में देखते हो कितनी सारी स्कूल की एक्टिविटीज करता है ये. इसने बस हमें अभी कुछ 3 महीने पहले ये इरिटेशन हो रही थी और ये बोलना शुरू करता था मुझे बहुत, मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है अपनी आंखों में, मैं कुछ वर्ड्स पढ़ नहीं पाता हूं. तो फिर उसके चलते हम लोग ने इसका आई टेस्ट करवाया और चलो आई टेस्ट हो गया, सब कुछ पता लग गया, हमने ब्लॉग बनाया, आप वो ब्लॉग देख सकते हैं. तो बड़े सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करा, बड़े सारे डॉक्टर्स ने कांटेक्ट करा. यू नो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हमारी बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन जब भी हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं या कोई भी चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, आप सब आ जाते हो. यू नो मुझे बहुत अच्छा लगा, 3-4 डॉक्टर्स ने तो अपने नंबर भेजे हुए हैं मुझे जो मैंने अभी तक सेव करे हुए. आई एम सॉरी मैं आपको रीच आउट नहीं कर पाई बिकॉज यहाँ बहुत कुछ चल रहा था. यू नो तो मैं वो कहते हैं ना, फिर मैं ऑलरेडी इतनी कंफ्यूज थी तो मुझे ऐसा लगा था मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाऊंगी कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. तो लेकिन जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए गया था, जब सेकंड अपॉइंटमेंट जब इसको उन्होंने ग्लासेस दे दिया, तो ऑब्वियसली आई वाज शॉक्ड कि +6 है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है वी विल रेफर हिम टू आई हॉस्पिटल. तो फिर उस जो उसकी जो सेकेंड ओपिनियन था ना, वो मैंने उसको आई ब्रॉट इट फॉरवर्ड कि उसको अब मैं जहाँ पे गया था वो बोला था. मतलब बेसिकली दे रेफर्ड अस टू NHS ना. सो टुडे आई वेंट टू NHS. बेसिकली क्या करा कि उसने शी चेक डेट ना. हाँ. वो तो वहां पे विजन एक्सप्रेस वाले थे ना. हाँ, विजन एक्सप्रेस वाले. बट बिकॉज ऑफ हिज नंबर एंड बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स आई वाज शोइंग,
She said, okay, what I need to do is I need to refer him to the eye doctor. तो जैसे कि आपको सौर ने बताया तो क्योंकि इसकी आई साइड बहुत ज्यादा थी प्लस सिक्स था तो हम लोग बहुत कंसर्न थे. मैं भी उनसे बहुत क्वेश्चन पूछ रही थी. तब तक सारे टेस्ट हो चुके थे. इनफैक्ट हमने ग्लासेस भी ऑर्डर कर दिए थे. तब भी हम दोनों के क्वेश्चन खत्म नहीं होते. तो उन्होंने हमें डॉक्टर को रेफर करा और वो जो अपॉइंटमेंट थी बेसिकली आई चेज दैट अपॉइंटमेंट की जल्दी मिल जाए. तो वो मिल गई बेसिकली हमारे को अपॉइंटमेंट. तो तब तक ग्लासेस भी आ चुके थे और फिर जब ग्लासेस पहने तो लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. मतलब कि बिकॉज ही कांट सी फार और जब वो उतार रहा है तो वो देख पा रहा है. तो हमें लगा कि ऑब्वियसली तो पास के ग्लासेस हैं क्योंकि सिक्स है तो पास के होते हैं बिकॉज ही इज अ लॉन्ग साइटेड फ्रॉम हिज लेफ्ट. ऑब्वियसली हम इस चीज के लिए तो प्रिपेयर ही थे क्योंकि प्लस सिक्स था तो वो लेंस थोड़ा मोटा होगा. लेकिन अभी कुछ नई चीज आ गई है कि आप लेंस को थोड़ा थिनर करा सकते हो. हमने वो सब भी करा लिया था लेकिन स्टिल यू नो वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी. हमें विजन एक्सप्रेस ने बोला नहीं इसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा. बिकॉज़ ही इज न्यू टू इट और इसने कभी पहने नहीं है 9 इयर्स तक. तो ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा. तो हमने कहा चलो ठीक है. और एक चीज और हुई थी. ग्लासेस पहनने के थोड़ी देर बाद ही बच्चे की आंखों में पानी आना शुरू हो गया. मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रही है. मतलब ये तो ग्लासेस से इसको आंखों में पानी आ रहा. और जब इसने उतारा मैंने इसको ठंडे पानी से इसकी आंखें धुलवाई सब कुछ करा. मैंने कहा यू नो व्हाट हम इसको ये ग्लासेस नहीं पहनाएंगे. मैं कहा हम अपनी वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को चेस करते हैं. अगर हमें वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है हम प्राइवेट जाएंगे और फिर हम देखते हैं. तो हमने इसको ना वो ग्लासेस नहीं पहनाए. इसने फिर भी ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत पहने क्योंकि हाँ रीडिंग के लिए पहने क्योंकि हम भी श्योर नहीं थे. तो और पर हमें यह भी डर था कि यार अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही डॉक्टर की. आप लोगों को पता ही यहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थोड़ी देर से मिलती है. बट वी बीन वेरी वेरी लकी कि हमें बहुत जल्दी मिली विद इन 2 वीक्स. और उसके बाद जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली दिखाया इसको डिफरेंट शेप डिफरेंट दिस डिफरेंट दैट एंड शी काइंड ऑफ वर्क्ड इट आउट कि मुझे तो लग नहीं रहा कि इसकी जो लेफ्ट राइट आई है जो इसकी नॉर्मल आई है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है. शी चेक एवरीथिंग अबाउट हिज आई यू नो हिज हेल्थ ऑफ हिज आई और सब कुछ उसने चेक करा. तो देन शी ट्राई टू एक्सप्लेन मी कि बेसिकली मुझे लगता है कि इसकी लेफ्ट आई जो है वो है वीक है इस लॉन्ग साइटेड. तो ऑब्वियसली आफ्टर शी चेक्ड एवरीथिंग उसने काफी थॉरली चेक करा. उसने बहुत सारे टेस्ट करे इसके ऊपर. बट शी केम टू अ कंक्लूजन दैट कि इसकी लेफ्ट आई यस इट्स वीक but I think the glasses he is wearing is too strong. That's what she said to me. But she said after my appointment you will go to the optician next appointment. वो भी NHS का था. And then we will check his eyes properly to see कि इसकी glasses में क्या problem है. glasses के number ज़्यादा तो नहीं है. क्या problem है वहाँ पे. And she said to me right eye तो मुझे लगी नहीं रही है. right eye is healthy. तो फिर हम obviously एकदम immediately 5 मिनट बाद को second appointment मिल गई. So he came. He checked him everything about like same thing. Doctor. उसको glass नहीं optician. Optician. तो उसको glasses पहना जैसे इंडिया में नहीं करते थे वो ऐसे lens डालते थे. हाँ lens डालते थे. वो पुराना वाला लगा गया. Vision Express में तो वैसे Vision Express had machines now ना machine होगा. हाँ उनके वो जो एक नई machine आउट. तो machine में ही चलता जाता है वो. In the olden days. So it was really nice कि उसने बहुत ध्यान से चेक करा. बहुत ध्यान से चेक करा उसने एक-एक करके चेक करा. तो then he said कि I was thinking that it would be worse than this. कि जो मैंने देखा है उससे वर्स्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि जो इसके सारा मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी सब कुछ पढ़ा. बट ही इज मच बेटर देन दैट एंड ही डेफिनेटली डोंट नीड एनीथिंग ऑन हिज राइट आई. राइट आई इज सो हेल्दी ही डजंट नीड एनीथिंग बट ही नीड्स ग्लासेस ऑन ओनली फॉर हिज लेफ्ट आई. एंड लेफ्ट आई ही रिड्यूस इट टू +3 फ्रॉम +6. मैं तो सुन के हैरान हो गया कि क्या +3 आर यू श्योर. तो मैंने कहा फिर हाउ कम दे सेड +6. फॉर देन ही ट्राई टू एक्सप्लेन मी कि चीजें हो जाती है. मैं भी ऑप्टिशियन हूं यू नो थिंग्स हैपन्स. दे माइट हैव नॉट चेक्ड हिज डिस्टेंस. दैट्स व्हाट ही ट्राई टू एक्सप्लेन मी. दे डिडंट कैलकुलेटेड द डिस्टेंस प्रॉपरली एंड दैट इज व्हाई इट्स गॉन फ्रॉम 3 to 5 or 6. बट दिस इज राइट वी हैव टू रिड्यूस हिज ग्लासेस. तो वापस जाओ उनके पास. उसने मुझे एक इसकी प्रिस्क्रिप्शन दी बना के. एंड ही विल राइट टू देम एज वेल दैट ही इज नॉट हैप्पी अबाउट यू नो व्हाट दे डिड हाउ दे डिड इट. सो जस्ट नीड टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. बट ही सेड इट कैन हैपन. आई एम नॉट सेइंग इट कांट हैपन. इट कैन हैपन. बट गुड दैट यू आर हियर एंड यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस नाउ.
उसने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली है कि इसको ग्लासेस पहनने ही पहनने हैं सारा दिन, मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड व्हेन ही इज गोइंग टू प्ले, कि कोई कोई अगर प्ले कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल, व्हाटएवर ही इज प्लेइंग, तो नहीं पहनने, अदरवाइज ही हैज टू वेयर सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, शायद इसको थोड़ा अजीब फील होगा बट इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उससे उससे ये बेटर होगा कि हिज विजन विल नॉट गो एनी फर्दर, इट माइट गेट इम्प्रूव्ड। सो 3 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा बुलाएंगे हमारे को एंड दे विल चेक हिम अगेन। तो ये हुआ है, बट आई वॉज वेरी शॉक्ड, आई वेंट टू स्ट्रेट अवे विजन एक्सप्रेस आफ्टर दैट। मैंने उनको ऑब्वियसली बताया कि ये है, तो ऑब्वियसली दे वर लाइक यू नो आई एम सो सॉरी ये वो, बट वी विल रिप्लेस हिज ग्लासेस स्ट्रेट अवे, यू कैन बाय वन मोर फॉर फ्री बिकॉज यू हैव अनदर वाउचर फ्रॉम हॉस्पिटल। जितना मैंने समझा अभी तक आई टेस्ट, क्या आई टेस्ट में ये होता है बिकॉज दे वर आस्किंग हिम लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो इससे पूछ रहे थे कि आपको कैसा दिख रहा है, ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आई टेस्ट होता है आपको पता ही है, मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि भाई ये पूरा आई टेस्ट ना अबीर के उस पे ही बेस्ड हो रहा है, ठीक है, जो बच्चा वो आज भी हो रहा था, आज मुझे रुकवाना पड़ा, मैंने कि ये बोल रहे मेरे तो एक साल से चल रहा है सब कुछ, मैंने कहा कब तक चलेगा, नहीं लगता है फोटो भी ऑन है, ये उसको बोलता है कि मैं तो हाँ अपनी आंखें बंद करके चेक करता रहता हूँ, मुझे पता है हाँ मेरी को एक्सम, मैंने कहा कब चेक करना शुरू करा इसने, जब ऑप्टेशन के पास पहले गए थे ना, देन ऑप्टेशन टोल्ड हिम दैट कि ऐसे चेक कर सकते हैं, तो इसको समझ आ गया, वहां बोलता है मैं तो एक साल से कर रहा हूँ, हाँ, मैं जो आए एक्सरसाइज कराती हूँ वो नहीं करनी इसने, एक साल से नहीं। तो अच्छी चीज सब में ये हुई है कि ऑब्वियसली इतनी नंबर कम हुआ है, ग्लासेस का साइज भी कम होगा, इसको कंफर्टेबल फील होगा, आई होप कि ये पहन पाए उसको, आराम से उसको कर पाए, मेरे को तो इतना आराम मिला सुन के। ऑब्वियसली +3 स्टिल वेरी बिग नंबर, नो डाउट इन दैट, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है हमारे लिए, टू बी ऑनेस्ट। प्रीति को पूरा वो था, यकीन था कि ये हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो शी वाज डिटरमिंड कि नहीं सौरभ ये गलत है, नहीं सौरभ ये गलत है, तो एटलीस्ट हम दोबारा गए, सेकंड ओपिनियन लिया हमने। और आज मेरे को बहुत अच्छा फील ये हुआ कि मैंने दो डिफरेंट बंदों से मिला हूँ, एक ऑप्टिशियन से एक ऑर्थोप्टिक से, यू नो, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज थॉरली डन, प्रॉपरली डन, एंड देन नेक्स्ट टाइम विद इन 3 मंथ विल गो अगेन, तो हम इसकी कंटिन्यूस रखेंगे अभी, और हमारे को ग्लासेस को पहन के रखना ही रखना है। तो मैं तो जब भी इंडिया जाऊंगी मैं एक बार तो इसकी आई टेस्ट जरूर कराऊंगी, जब भी जाऊंगी मैं। चलो देखते हैं, भगवान ने शुक्र मनाया है तो भगवान का कि एक्चुअली हमने दोबारा गए और ये सब अच्छा हुआ, एंड और मानोगे नहीं आप, +6 नंबर ही इतना बड़ा है, मैं तो लेकिन आज जैसे चीजें हो रही थी ना, आई वाज शॉक्ड कि एनएचएस में जल्दी आप जाते हो तो आप वेट करते हो, सब कुछ होता है, यू नो, मेरे को तो 2-4 घंटे में बना के गया था। मैं तो तभी शॉक थी जब परसों तुमने का डॉक्टर का फोन आया था, उसने बताया कि कैसे कैसे आपको पूरा दिन जाएगा, क्योंकि 4 घंटे मुझे लगा था, मुझे 4 घंटे लगे वहां पे। Bless you, baby. Bless you. So we thought, you know, we should share this with you because obviously आप हमारे साथ जुड़े हुए हो इस चीज को लेके। मैं वहाँ पे तो vlog नहीं बना पाया because it will not look nice कि मैं वहाँ vlog बना रहा हूँ। तो मैंने वहाँ तो vlog नहीं बनाया। But I think there was a small clip which Preeti will share. I am very comfortable कि this is going in the right side. अब हमें इतना convinced हो गया कि वो गलत था। जो पहले दवाई डाली फिर हमें 45 मिनट वेट करवाया था क्रिप्स कॉजवे में, वो कह रहे वो करते हैं लेकिन होता क्या, वो जब ये बड़ा हो गया उस दवाई से उसको इरिटेशन भी हुई थी, याद है, मैंने बोला है कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस, तो चलो क्योंकि मैंने इसको मैं बोला कि कॉन्सेंट्रेट अबीर, रिलैक्स, कॉन्सेंट्रेट ऐसे, क्योंकि मजाक नहीं हो रहा ना, क्योंकि ऑब्वियसली इसलिए कहते हैं हाँ नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है, और दिस इज वेरी गुड, बट ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज वेरी गुड। एंड देन व्हेन डैडी टोल्ड मी टू रिलैक्स I said HOAV. You could read it, right? So it's just a concentration. But good, yeah, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, एक और लास्ट चीज़ उन्होंने पैचिंग की एक्सरसाइज कैसे करनी है। She said not to do patching at the moment. Just glasses for now. Next time when you come within the 3 months time, then we will assess his situation again. And if we feel that we need patching, then we'll do patching. Patching is basically means कि आप एक जो right eye है उसकी
that is healthy, so you will patch it up 1 hour a day. मैंने याद नहीं तुमको बताया भी था, मैं एक डॉक्टर से बात हुई थी. But she is saying don't do it at this moment of time. There is no need. और उन्होंने कोई आईएस की कोई एक्सरसाइज नहीं बताई है? कुछ नहीं, बस सिर्फ ग्लास पहनो, प्लीज ग्लासेस पहनो. कोई एक्सरसाइज ना करो, कुछ ना करो, कुछ मत करो. एवरी टाइम यू हैव टू वेयर ग्लासेस, ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम एंड दिस. और यहाँ पर ना कुछ ऐसे भी नहीं बोलते कि ये खाओ और ये ना खाओ, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक बैलेंस डाइट खाते हो. बेटा आप इसको छोड़ दो, डालिंग इसको छोड़ दो, बच्चे क्या करें, इनको इनका चलता रहेगा. Okay, तो खाने पीने का तो मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगी इसका, मैं तो छोड़ूंगी नहीं. वैसे भी खाना पीना अच्छा ही चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए. और बस यार, वी थॉट विल डिस्कस विद यू. गुस्सा तो बहुत आया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत गुस्सा आया हुआ है. लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा, आइटस डिपेंड्स, लाइक मुझे ऐसा लगता है, पता है मुझे टेंशन हो गई, मुझे खुद के आई टेस्ट के लिए जाना था. मैं सोच रहा हूँ एक्सप्रेस तो जाऊँ ही ना. जब ऐसी चीज होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके प्लस सिक्स थे और हम कह रहे हैं कि भाई उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं है प्लस सिक्स वाले, तो हमारी कोई सुनी नहीं रहा वहां पर. वो कह रहे हैं नहीं, आपके बच्चे की प्लस सिक्स, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ बोल भी नहीं सकते. Like, but I am convinced that NHS is really good. Seriously, really good. नहीं, obviously यार, NHS अच्छा है, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छा है. Like आपने देखी है मेरी ब्रेस्ट कैंसर वाली वीडियो, हम लोग, oh my god, वो तो मैं उस टाइम के बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ. जो मेरे मेरे जो गुजरे हैं ना वो सिक्स वीक्स, मुझे ही पता है. लेकिन द वे NHS ट्रीटेड इट, oh my god, amazing. और बस NHS में थोड़ा देर लगती है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट वगैरह मिलने में, लेकिन वंस यू आर इन. नहीं यार, ये वाली ये वाला नहीं बोल सकते. हाँ, ये वाला नहीं बोल सकते. वैसे विद इन 2 weeks, लास्ट टाइम हम 2 weeks पहले गए थे, और 2 weeks के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई, हो भी गया, और उन्होंने उसी टाइम प्रिस्क्रिप्शन बना के दे दी. और ही विल राइट टू यू एज वेल, लाइक राइट टू अस एज वेल. जो मेरे से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं उनको मैं अपने डेंटिस्ट वाला किस्सा फिर कभी सुनाऊंगी, इसकी अपडेट दूंगी. कि कई लोग मुझसे अभी बीच में पूछ रहे थे आपके दांतों का क्या हुआ. तो पिछले साल मेरे को बहुत दर्द था मेरे दांतों के अंदर, तो वो मैं फिर बताना था आपने, अभी बोला मैं कई फिर बताऊंगी. वो मुझे अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली. अभी भी कह रहे हैं 1 साल की वेटिंग है आपकी. चलो जी, एनीवे, अंत भला तो सब भला. शुगर है बच्चे की जो भी है, आंखें वहां के टेस्ट हो गई है. लेकिन जब भी इंडिया जाऊंगी दोबारा एक बार जरूर टेस्ट कराऊंगी अपनी तसल्ली. और ये सब समझ लो, ये अभी भी 3 number इज नॉट अ स्मॉल नंबर. इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, नहीं, टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. प्लस 3 इज आल्सो नॉट अ स्मॉल नंबर. मैंने वही बोला ना, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस. तो मतलब प्लस 6 से प्लस 3, 2 हफ्तों में ना बहुत कुछ सोच रहे थे हम, पता नहीं कितने क्वेश्चन आते थे हमारे माइंड में, बट अब सब क्लियर हो गए हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी. वी आर अभी, अब बस इसके ग्लासेस आने हैं, ग्लासेस लगाएंगे इसको, देखते हैं ये कैसे फील करता है, कितना कंफर्टेबल फील करता है. होपफुली जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा ही हो और कोई प्रॉब्लम ना आए. तो चलो जी, बताएंगे फिर आपको. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एज वेल. ऐसे जुड़े रहे, आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में. अगले व्लॉग में हम कर रहे हैं बहुत सारी कुकिंग और बहुत कुछ. दोस्त आ रहे हैं तो हमारे बहुत क्लीनिंग, बहुत कुकिंग एंड बहुत ही एंजॉयमेंट. और इंडिया का मैच देखेंगे हम. इंडिया पाकिस्तान नहीं है, कौन है कुछ नहीं बताओ. इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 मैच कल आने वाला है, हम वही देखने वाले हैं. और बहुत सारे अच्छी आने वाली है. शिवानु आ रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं स्वांसी से, वो आ रहे हैं. तो अगर आप हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा हमारे गुरुद्वारे के फंक्शन पे हमारे स्वांसी से हमारे सारे दोस्त आए थे, तो वो सब आ रहे हैं. उर्वशी भानु आ रहे हैं. चलो आप मिल लेंगे. वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस इवनिंग. तो बस बहुत सारी कुकिंग शुकिंग करनी है, मैं उसी में लगी हुई थी. तो मैं लगती हूँ आई एम बैक टू माई कुकिंग एंड आई सी यू गाइस टुमारो. बाय.